नमस्ते, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेडमिल पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए, आप ट्रेडमिल पे चढ़ के मशीन को स्टार्ट करके वॉक से शुरू करेंगे और फिर जैसे जैसे वार्म अप होए आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर वर्कआउट के लिए आप अपनी डिजायर्ड स्पीड पे आप वॉक जॉग रन जो करना है आप वो करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपको किसी से बात करने के लिए टर्न वगैरह होना है या कुछ और साइड में देखना है तो ऐसे हैंड रेल को पकड़ के टर्न होंगे, फिर आप इस पे जॉगिंग करिए, रनिंग करिए। फिर आप इंक्लाइन वॉक ज़रूर ट्राई करिए ट्रेडमिल पे। आप ऐसे आप इंक्लाइन लेवल अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना हाई चाहिए, उस हिसाब से आप ये करके इंक्लाइन सेट करके वॉक करिए। इसमें इंक्लाइन वॉक में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह से ऊपर पुल करके रखें, हाथों को साइड में मूव करें और हिप्स पे बेंड ना हो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंक्लाइन वॉक में। और फिर आप रेगुलर स्ट्राइड रेट रखिए, मतलब पैर को नॉर्मल मूव डिस्टेंस पे चलाइए, ज़्यादा आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्ट्रेच आउट ना करिए, नहीं तो उससे बैक में पेन आता है। फिर आप ये रनिंग करें, जब अगर रनिंग कर रहे हैं आपको रुकना है आप स्टॉप बटन दबा के ऐसे हैंड रेल का सपोर्ट ले लें और फिर जब थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल में आ जाए तो आप इस तरीके से साइड में भी मूव कर सकते हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रोलिंग ना करें ट्रेडमिल पे, अननेसेसरी ट्रेडमिल के हैंड रेल या कंसोल को ना पकड़े, हैंड रेल को पकड़ के पीछे की तरफ लीन होके ऐसे वॉक ना करें। ये ऐसा होता है जब यूजली स्पीड ज़्यादा होती है, फिर चाहे इंक्लाइन वॉक हो इस तरीके से पीछे लीन ना हुए हैंड रोल पकड़ के और ना आगे की तरफ बेंड हुए, बस टॉर्सो को अपराइट रख के वॉक जॉग करते रहें।